Looking for a townhouse? Now is your opportunity to own a gorgeous townhouse in Surrey starting at $649. This includes 3 to 4 bedrooms with a double garage and a beautiful landscape. To book these townhouses or for any other real estate needs, please call Amjad Bajwa from Sudden Alliance at 604-825-2277. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो आपकी जानी पहचानी है और हमने इनकी शख्सियत को जब जाना और पहचाना तो ऑफ रैकेट भी हमारी काफ़ी बातें हुई और ये एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत मिलनसार है और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और बहुत सारा प्यार पाकिस्तान से लेके यहाँ कनाडा में आए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नदीम साहब चंद साहब आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ये बताइए कि आपको आप कनाडा में आए हैं, पाकिस्तान से कनाडा में आए हैं, तो कैसा लगा कनाडा, ओवरऑल आपको कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ के लोग बड़े बड़े अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं बड़े प्यार करने वाले लोग हैं और कैनेडियन भी बहुत अच्छे हैं। और यकीनन मैं वैंकूवर में आया हूँ, 2-3 दिन फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं वैंकूवर में। जी जी 3 दिन के लिए आया हूँ और अपने लोगों को मिलकर बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पे जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं हमारे लोग, जी जी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में कोई लिबरल में है, कोई कंजर्वेटिव में है और अपने कम्युनिटी के बेहतरी के लिए और जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के सिस्टम में इनकी, ये बहुत अच्छी मेरे लिए एक नई चीज़ थी। जबरदस्त। और फिर अपने पाकिस्तान के लिए जिस तरह इनके दिल धड़कते हैं और बड़े कंसर्न हैं इनके पाकिस्तान के हवाले से और बड़ा, आपको पता है जिस तरह आप तो एक जर्नलिस्ट है ना, यहाँ का हर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो सवाल करता है जी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जी 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 तो इस हवाले से मैं समझता हूँ उनका कंसर्न्स बोलता है। जी जी और आप जब हम बात करें आपके यहाँ पे, आप पहले टोरंटो में आए, टोरंटो में भी पाकिस्तान की एक अच्छी खासी कम्युनिटी मौजूद है और वहाँ पे भी आपकी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हुई होगी और वहाँ पे हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो सियासत में आगे भी गए हैं और वैंकूवर का थोड़ा सा भी आगाज़ है, आप देख रहे हैं कि वैंकूवर में ओवरऑल आपको दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप क्या करेंगे? देखिए जहाँ तक कम्युनिटी के हवाले से तो सच्ची बात है, बिजनेस में भी अब लोग हैं, लोग आज से मतलब कुछ 10-15 साल पहले मैं आया था 2009 में जब मैं MNA था, उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम आया था तो उस वक्त मैं देखता था कि लोग ज़्यादा कैब चलाते थे या दूसरे बिजनेसेस में थे, लेकिन अब मुझे इतने सालों बाद मैं जब मैंने देखा है तो अब लोग बिजनेस में है पाकिस्तानी कम्युनिटी। इससे पहले मतलब अब लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, बैंक्स में काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं। नई जनरेशन जो लोगों की है वो बहुत पढ़ लिख गई है, जो आए थे कभी किसी ज़माने में यहाँ लेबर के तौर पर काम करते थे आज उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब आप सोच आप इमेजिन नहीं कर सकते, जैसा कोई इकोनॉमिस्ट भी बने हुए हैं, कोई डॉक्टर्स इंजीनियर्स हर हवाले से हर सतह पे काफी तरक्की। और हमारे बच्चियां बच्चे जिस तरह, मैं बड़ी खुशी होती है सच्ची बात है अपने लोगों को देखकर। और फिर हमारे इलाके के लोग बहुत ज्यादा हैं जी हां, तो सरगोधा मंडी बोलदीन गुजरात आप देखें वो एक जी, तो फिर पंजाबी बोलने वाले लोग बहुत मिलते हैं। जी 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 लेकिन पाकिस्तान के कराची के KPK के मुझे बहुत ज्यादा लोग, बलूचिस्तान के लोग कम मिले हैं, बाकी तो बहुत कम्युनिटी के लोग मिलते रहते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी चूंकि बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वॉलंटियर करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी अपनी जगह ग्रुप्स जो बनाए हुए हैं। लेकिन बात भी देखिए अब मैं अभी कल ही आपके लोग बता रहे थे कि अर्थक्वेक के हवाले से, जी जी जब पाकिस्तान में जलजला आया तो यहाँ की सिख कम्युनिटी ने यहाँ के दूसरे कम्युनिटी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर
बहुत ज्यादा पैसे, अभी डैम्स के फंड में जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, और बहुत सारे चैरिटी के मामलात में जो पाकिस्तान में चैरिटीज होती है वो यहाँ की कम्युनिटी दिल खोल कर करते हैं लोग, बेशक बेशक, और उनकी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम करें ऐसे। जी जी, और इसमें तमाम ही जो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी वो इकट्ठी होती है। एक बहुत अच्छी बात ये भी है चांद साहब के पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारह बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे हों, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के ऊपर की उसकी सलामती की बात आती है, तो ये सब इकट्ठे होते हैं। नहीं, बहुत सारे अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोगों की, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ नेचुरल इश्यूज ऐसे हैं कि वहाँ आकर वो पाकिस्तानी बन जाते हैं, और यही होना चाहिए। जी जी, वहाँ उनके अंदर कोई उस तरह का तनाव नहीं है जिस तरह का तनाव हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। यहाँ बाहर बैठे लोगों में, दियार गैर में ऐसा तनाव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैंकूवर आप फिरे हैं और अभी भी आप कहीं किसी जगह से आ रहे हैं, तो आपने वैंकूवर को ओवरऑल कैसा पाया? आप बहुत सारे मुल्कों में गए होंगे, वैंकूवर को आप कैसा देखते हैं? बहुत खूबसूरत है जी, सच्ची बात है, दुनिया में जन्नत है। और जिस तरह समंदर, पहाड़, मौसम, माउंटेन्स और हिल स्टेशंस और ग्रीनरी, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो चंद साहब, पाकिस्तान की सियासत ऐसी सियासत है जो हर एक की जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है वो जानता है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या सिलसिला है। तो पाकिस्तान में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी उम्मीदें पाकिस्तान से हमेशा बहुत ज़्यादा रही हैं, उनको एहसास पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रहा है, आज भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान में है उनको एहसास नहीं है, लेकिन वो जब पाकिस्तान से दियारे गैर में आ जाते हैं तो एक जनरली एक ऐसा जेन्युइन एक ऐसा सिलसिला बन जाता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत रहती है और उससे दुगनी हो जाती है क्योंकि वो उससे यहाँ पर आए होते हैं। तो आपने बहुत सारे कंसर्न पाकिस्तानी को मिले भी हैं, उनके क्वेश्चन भी। यहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल हैं वो तो यकीनन हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर खान साहब अक्सर कहते हैं कि ओवरसीज़ मेरी ताकत है, ओवरसीज़ मेरी बेस है, स्ट्रेंथ है, और मैंने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैक्सिमम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उनके उनकी डिमांड पाकिस्तान ज़्यादा तौर पर किसी की डिमांड बहुत थोड़े लोगों की है, मेजॉरिटी की डिमांड है कि पाकिस्तान के जब वो कनाडा या दूसरे ममालक के हालात के कंपैरिजन मुवाजना करते हैं तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में हेल्थ कब ठीक होगी, पाकिस्तान में एजुकेशन कब ठीक होगी, हमारा लॉ एंड ऑर्डर रूल ऑफ लॉ कब आएगा। तो यकीनन ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़मीनों पर कब्जे होते थे, अब वो पोर्टल बन गए हैं एक टॉप प्रायोरिटी फास्ट ट्रैक के ऊपर, ओवरसीज़ के लिए एक अलहदा पोर्टल भी है और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री बड़ी एक्टिव है और सूबों के अंदर डिस्ट्रिक्ट तक कमेटीज़ बनाई गई हैं, और इसी तरह अब जो मिडल ईस्ट में थे उसके लिए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या दूसरे बैंक्स के हवाले से जो परेशानियाँ थी वो उनको भी बड़ा हैंडल किया गया है। बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ अब इन्वेस्टमेंट, अब जो कंस्ट्रक्शन की एमएसटी दी गई है उसमें अब ज़्यादातर पाकिस्तान के जो ओवरसीज है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे ज़्यादा पाकिस्तान में, तो उनके लिए भी ये बहुत डायरेक्ट एक, तो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ओवरसीज। अब वोट का हक पहले भी दिया है लेकिन इसको मज़ीद आसान किया जा रहा है, अब जो रिफॉर्म्स हो रही हैं इलेक्शन कमीशन के उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का जो बुनियादी हक है ताकि वो यहाँ बैठ के अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपना वोट कास्ट कर सके। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे आपके सफारतखाने हैं और यहाँ पे जो लोग आपके नुमाइंदे हैं, आपका कैसा ताल्लुक है उनके साथ, आप क्या फीडबैक लेते हैं उनसे, कोई है इस तरह का रब्ता? देखिए जी, मैं तो बाहर जाता हूँ, कोई सरकारी टूर पे जाऊँ तो फिर तो मैं एम्बेसीज के साथ, मिशन के साथ रब्ता करना, अदरवाइज मैं तंग नहीं करता उनको, लेकिन कम्यूनिटी से मैं पूछता रहता हूँ अक्सर, तो मुझे अक्सर लगता है कि हमारी कम्यूनिटी के लोगों का कोई लिजान अच्छा नहीं है, खुश नहीं होते अपने मिशन के साथ। जिस तरह का मुवाजना उनका दूसरे ममालक के साथ आप करें ना जी, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो उस हवाले से हमारे मिशन जी, हमारे काउंसिल जो हमारा ऑफिस है, ये उस लेवल पे सर्विस नहीं देते अपनी कम्युनिटी को। और फिर ट्रेड के हवाले से जो पाकिस्तान और दूसरे ममालक में ट्रेड का जो होता है वो मैंने देखा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक माइंड सेट है और हमारे फॉरन ऑफिस का तो बिल्कुल टिपिकल माइंड सेट है,
तो मैं सच्ची बात है झूठ नहीं बोल सकता मैं तो जाती तौर पर मैं अगर मेरे से प्राइम मिनिस्टर साहब पूछेंगे तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा तो इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, आपके चेक बैलेंसेस हो सकते हैं, आप अपनी राय। मैं कहता हूँ बिल्कुल इस पे सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस आपकी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी चेक एंड बैलेंस। दूसरे बड़ी आपके आपका ट्रेड कैसी जा रही है पाकिस्तान कनाडा की पाकिस्तान जहाँ जहाँ जिस मुल्क में दुनिया में ट्रेड में हमारे दफ्तर जो है वो हमारे ऑफिस जो है वो क्या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिटी के हवाले से कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो परेशानियां होती हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, हमारे लोग जो मजीद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं या कोई पाकिस्तान से यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें ऑफिस का एक लाइजान होता है ना। एक चंद साहब आप बहुत बोल्ड हैं और आपको हमने देखा भी एक जब COVID-19 की सिचुएशन हुई आप अपने ही जो मुलाजमीन हैं उनको जिस तरह से उनको वार्न करते हैं चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से और वो एक बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा वो बन गया कि वो मुख्तारा का जो चक्कर था तो अब तो बहुत सारे ट्वीट्स आने लग पड़े, अब तो बहुत सारे जोक। आपने उसको कैसे लिया? नहीं मैं पहले तो मैं जी परेशान हुआ, मेरा प्राइवेट मैसेज था मेरा कोई पब्लिक मैसेज नहीं था, लेकिन जब लोगों ने पॉजिटिव लिया तो मैं भी खुश हूँ जी। ये बिल्कुल और क्योंकि मेरी उसमें कोई नीयत ऐसी नहीं थी या मेरा कोई ऐसी लैंग्वेज में इस्तेमाल अमूमन आम जिंदगी में नहीं करता तो वो सख्ती के साथ कोविड आप पूरी दुनिया में देख लेना यहाँ कितने SOP भी अमल होता है और बहुत सोशल डिस्टेंस के साथ लोग करते हैं यहाँ भी, तो पाकिस्तान में भी हमने उस पर अमल किया है, गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, लोगों ने भी तावन किया है, इसलिए COVID-19 पे हमने कंट्रोल किया और काफ़ी हद तक एक जो एहतियाती तदाबीर हैं जो SOPs पे अमल करके हमने अपने सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं दुनिया में ताकि बिजनेस चलते रहें ताकि लोगों का रोजगार भी ना तबाह आम आदमी की जिंदगी में तंगी ना आए। यहाँ तो आप यहाँ इन लोगों की इकॉनमी ऐसी है ना घर बैठे इनको पैसे मिलते रहते हैं, हमारी इकॉनमी उस लेवल की नहीं है, हम तो चलो लेबर मजदूर को 12,000 दे सके एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन इसके बावजूद हमने बिजनेस के रीशेड्यूल किए, कर्जे बिल्स की किस्तें की, बहुत सारे काम एग्रीकल्चर सेक्टर में दिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे COVID-19 जब से ये आफत आई है एक पाकिस्तान पे एक तनकीद भी हो रही है, उसके अंदर से बाहर से एक तनकीद भी की जा रही है, कहाँ पे फेलियर देखते हैं आप? तनकीद देखें तनकीद तो होती रहती है, तो मेरे ख्याल में तो जो बेस्ट तरीक़ाकार थे जो हमने अप्लाई किए, हम मुकम्मल कर्फ्यू की तरफ नहीं जा सकते, हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, एक एक घर में 10-10, 15-15 अफराद रहते हैं, 8-8 अफराद रहते हैं, जो यहाँ की तरह तो नहीं है कि 2 बच्चे हैं जी जी, वहाँ तो 5-5, 6-6 बच्चे हैं और फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उस हवाले से मैं नहीं समझा कि हम उस तरह कर सकते हैं। जितना लॉकडाउन हम कर सकते थे, जितना लोगों ने एलीट क्लास ने तावन भी किया, लेकिन लेबर क्लास या दूसरे लोग जो नहीं कर सकते थे वहाँ नहीं हो सकता था। एक अब चूंकि अब हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं तो चलें इसके ऊपर एक और बात कर लेते हैं। एक जनरल सी एक है थ्योरी के जो दूसरी पार्टीज हैं जो PTI के साथ अपोजिशन में है वो कि इतनी सेटिस्फाइड नहीं है, एक APC की बातें भी चल रही हैं, तो आपका उस हवाले से क्या नज़रिया है कि ये क्यों ऐसा इस नहज पे क्यों हम पहुँचे? देखिए जी जहाँ तक पॉलिटिक्स का तल्लुक है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो पहले दिन से इलेक्शन, दुनिया में जहाँ पार्लियामानी निज़ाम है या दूसरे निज़ाम है वहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद सियासत कुछ 2-4 साल बाद शुरू होती है। पाकिस्तान में जिस दिन साल इलेक्शन होता है दूसरे महीने सियासत शुरू हो जाती है, अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, तो 5 साल वो अगले इलेक्शन की तैयारी होती है, फिर हर इशूज़ को एक्सप्लॉयट करना, हर इशूज़ को उछालना, ये वहाँ का एक स्टाइल है हमारी सियासत का, जिसमें कई जगहों पे बहुत अच्छी चीज़ भी है और कई जगहों पे मैं समझता हूँ बहुत गलत चीज़ है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के मुतल्लिक होती हैं, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के हक में या नुकसान में हो सकती हैं, तो उन चीज़ों पे ज़रा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप हुकूमत पे तनकीद करें, हुकूमत अकाउंटेबल होती है जी, और अपोजिशन भी अवाम की नुमाइंदा होती है, और अपोजिशन को चाहिए होता है कि अपना
अपना शेडो कैबिनेट दे, अपना रोड मैप भी दे, हुकूमत को अकाउंटेबल करे, हर चीज़ में जिम्मेदारी उठाए, उसमें वेलकम करते हैं हम, हुकूमत की तनकीद को हम माइंड नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ सियासत में तनकीद भी जो है वो इखलाक और तहजीब के दायरे में रहनी चाहिए। जी बदकिस्मती से ये हमारी सियासत में 1988 में एक दफ़ा ये फेज़ आया था और एक फेज़ अब आया हुआ, उस फेज़ से सच्ची बात है दिल दुखता है। चंद साहब एक और जो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था और कल भी हमारी आपस में बात हो रही थी मीडिया के हवाले से, इमरान खान साहब की एक बहुत, जब उन्होंने पहली कैंपेन शुरू की और वो आए तो मीडिया के साथ उनका बहुत एक अच्छा ताल्लुक था अपने इक्तदार में आने से पहले, और मीडिया ने उनकी बड़ी सपोर्ट भी की और मीडिया बारहा ये रेफरेंस भी देता है कि हमने आपकी बहुत सपोर्ट की, तो कि क्या हुआ कि इसके बाद मीडिया को आज जब हम देखते हैं इतना अच्छा हैंडल नहीं हुआ और बहुत सारे नाकदीन जो हैं। देखिए हुकूमतों के साथ मीडिया के तलाकात कभी भी आइडियल नहीं रहे। हमारा बिजनेस मॉडल भी कुछ मीडिया का बड़ा क्वेश्चनेबल है। सिर्फ हुकूमत के बलबोते पे ही, शरात के बलबोते पे ही मीडिया चलता है ज्यादातर। मैं समझता हूँ उसका कोई और मॉडल भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हुकूमतें कहाँ तक अफोर्ड करती हैं, फिर ऐसी हुकूमतें जो आवाम की वेलफेयर पे पैसे लगाएं या इश्तेहारात पे, या अब तो एक तो ये वजह भी है, दूसरा बहुत सारा मीडिया हमारे हक में भी है। और मैं तो पाकिस्तानी मीडिया को देखें एक पॉजिटिव साइन पे तौर पे लेता हूँ, सोशल मीडिया को भी और मीडिया को भी। जी ठीक है, कोताहियाँ की बातें हर जगह पे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा मीडिया मैच्योर भी हो रहा है, हमारे पॉलिटिशियन भी मैच्योर हो रहे हैं, हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। तो उस हवाले से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है चलने दें इसको, सही है, सही और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जो आज से 10 साल पहले, अब लोगों को भी पता चल जाता है कौन सा एंकर किस वेस्टर्न इंटरेस्ट पे बात कर रहा है, उसकी डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं, कहाँ से वो बोल रहा है, उसको खबर कहाँ से प्लांट हुई है, क्यों कर रहा है ये क्वेश्चन, जो जेन्युइन होते हैं उनका भी लोगों को पता होता है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक पंजाबी में कहते हैं ना छाड़ना लगा हुआ है, इस छाड़ने में अल्टीमेटली काम ठीक हो जाएगा, सियासत में भी और साफत में भी। चंद साहब ये वही लोग थे जो आपकी तारीफों के पुल बांधते होते थे पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से, और ये कहते थे कि एक चेंज आएगी, अब ये वही हैं जो बड़े बड़े एंकर का नाम ले। देखिए एंकर्स को आप किस तरह कह सकते हैं कि वो आपके ऊपर तनकीद ना करें, क्वेश्चन ना करें, आप नहीं कह सकते नहीं। और बेशक आपकी दोस्ती हो, बेशक आपके अच्छे तल्लुकात हो, लेकिन तो आप एजेंडा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ एजेंडा नहीं होना चाहिए, बाकी उनकी तनकीद को हम वेलकम करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये जवाब तो दूसरी पार्टीज भी देती आई हैं कि उन कुछ लोगों का एजेंडा होता है, तो फिर ये तो बात तो वहीं पे नहीं। मैं देखिए होता है कुछ लोगों का हर दौर में एजेंडा होता है, और वो चंद लोग होते हैं, 10% आप कह लें या 20% कह लें, 80% मैं नहीं समझता कि उनका किसी का एजेंडा होता है। देखिए उसमें मालकान का अमल दखल भी होता है, फिर एडिटोरियल एडिटर जो बैठा होता है उसका भी अमल दखल होता है, फिर एंकर का होता है, फिर जाके नीचे रिपोर्टर का होता है, फिर रिपोर्टर कोई अपने अपने बीट के रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके अपने उनकी एफिशिएंसी से शुरू होकर टॉप लेवल तक आप जाए ना, तो कहीं डंडी चल जाती है। बड़ी बात है, बड़ी बात। जहाँ मीडिया की बात हो रही है वहाँ पे हमारा अपना जो किरदार है, वफाकी वज़रा की जब बात आए तो हमारे वफाकी वज़रा क्यों एक सेम पेज पे नहीं है, कोई किसी मीडिया पे कुछ बात कर रहा है और उसी के जो है बरक्स बात एक और वफाकी वज़ीर जो है वो कर देते हैं, और फिर वो उनकी आपस में कोई इतनी नहीं, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं एक पेज पर आप सब लोग आ रहे? एक पेज भी होते हैं, अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स से ट्रेनिंग के डिपेंड करता है ना, किसकी ट्रेनिंग किस स्कूल ऑफ थॉट्स से। अच्छा, तो ये हमांगी फिर टाइम लगता है, लेकिन अदरवाइज जो डिसीजन होता है कैबिनेट के अंदर या पार्टी के अंदर जो होता है उस पर सारे अमल डिसिप्लिन है उसमें, तो बाकी बयानबाजियाँ दोस्तियाँ यारियाँ ये चलती, ये हल्की फुल्की मुसीकी जमहूरियत में चलती रहती है, अमलियत तो है नहीं।
खास साहब को हमने देखा कि बड़े पॉजिटिव थे, एक एक दौर ऐसा था जिसमें वो हर चीज़ को हेड ऑन ले रहे थे, और वो लेकिन हमने थोड़ी सी खास साहब में चेंज भी देखी है। वो अब उस तरह बात नहीं करते, अब चेंज की बात भी कभी कभी आ जाती है और वो कहते हैं कि आ भी सकता है। तो आपको क्या लग रहा है जब आने वाले 5 साल? देखिए, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त यकीनन आपका जो स्टाइल होता है या आपके जो दबंग स्टाइल या जलसों की स्टाइल वो और होता है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर चीज़ों को आपने साथ लेके आपका एक एक लफ्ज़ बोला हुआ जो है वो काउंट करता है पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से थोड़ी सी आपको महसूस होता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब अपने एजेंडे पे जो उनका मैनिफेस्टो था, जो एजेंडा था, उस पर काम कर रहे हैं और दुआ करें इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हो। तो आप देखते हैं आयदा आने वाले साल भी पीटीआई इसी तरह, और इमरान खान साहब को आप पिक्चर में देखते हैं? हाँ बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स में इस तरह कोई पिक्चर से आउट नहीं होता। सियासत में ये ऊंचा नीचा काम दरमियाना ये चलता रहता है, और जो स्ट्रगल करते हैं, जो पॉलिटिक्स के अंदर रहना चाहते हैं, उनको कोई आउट नहीं कर सकता। सियासी तरीके से बंदा आउट होता है। किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान अब? नहीं, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो कहता हूँ इंशाल्लाह ठीक जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की अवेयरनेस, पाकिस्तान का मेच्योरिटी लेवल अवाम के अंदर, पॉलिटिशियन के अंदर, मीडिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, हर जगह पे एक पॉजिटिव एंगल आई है। और आप खत्ते में देख लें, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रोल देख लें, खत्ते में जुग्राफियाई दूसरे दोस्त ममालक के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो हमारा रोल है, हम एक ह्यूमैनिटी के ऊपर आप हम समझते हैं कि जहाँ भी फिर हमारे उस खत्ते में जहाँ इंसानियत के ऊपर जिस जगह जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन रोल है और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं हम अपने डोमेन में रहते हुए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं हम उनको। इसी तरह हम अफगानिस्तान में चाहते हैं कि अमन हो, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे, आज दुनिया पाकिस्तान से मदद मांग रही है। बेशक, तो ये एक रिकग्निशन है कि हमारी पॉलिसी आज ठीक है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल, हम नाज़रीन आप देख रहे हैं कि चांद साहब हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब हम आखिर में चांद साहब ये पूछेंगे कि यहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जब भी कोई पाकिस्तान पे आफत आती है वो करते हैं, लेकिन एक ऐसा जब काज की बात आए तो डैम का एक काज जो था उसके लिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने वो कलेक्शन की। हम डैम बनाने में कामयाब तो होंगे नहीं होंगे वो तो बाद की बात है, अब हम किस स्टेज पे? देखिए जी, अदिया मीर बादशाह डैम का काम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे शुरू हो चुका है। 32 बिलियन गवर्नमेंट ने अभी मई जून में रिलीज़ किए थे, और जो पूरी दुनिया से जो 16-20 अरब रुपए जमा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट, वो भी अब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो ये और भी गवर्नमेंट पैसे आपने तौर पर देखी, अब ये काम, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है महंगी बिजली, IPPs के ज़रिए ये दूसरा, फिर पानी का बड़ा मसला है। तो सब का हल डैम्स है, पानी ज़खीरा करना, पानी से बिजली बनाना, अपने नहरी निज़ाम को स्ट्रेंथन करना। तो ये हमारे फ्यूचर के ये एक रोड मैप है, एग्रीकल्चर के हवाले से भी, एनर्जी के हवाले से भी। तो ये पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी इशू है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो 4-5 डैम पाइपलाइन में है, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं 2-3 सालों में, कुछ 6 सालों में मुकम्मल होगा, कोई 8 सालों में होगा, कोई 10 सालों में। तो इससे इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। पाकिस्तान में एक नौजवानों को बहुत अच्छा मैसेज गया था जब PTI की गवर्नमेंट आई, और इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पर नौजवानों को कहा था कि उनके लिए बहुत सारी वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि नौजवान आज भी पाकिस्तान में बाहर की तरफ जाने के? देखिए जी, आबादी बहुत ज़्यादा है हमारी, और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर उतना फैला हुआ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पहले था, वो भी प्राइवेटाइज हो के, वो भी ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट तो जॉब्स नहीं दे सकती थी, अब प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दे सकते हैं। प्राइवेट हमारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, एक ठीक लाइन पे हम चढ़ गए थे, लेकिन ये COVID-19 की वजह से बहुत डैमेज हुआ। लेकिन इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इकॉनमी ग्रोथ और हमारा जो बिजनेस चलेगा, तो इसमें
हमारे लोग बाकी दुनिया में हमारे लोग जा रहे हैं, अच्छी तालीम के लिए जा रहे हैं, अच्छे बिजनेस के लिए जा रहे हैं, सेट भी हो रहे हैं, फिर वापस पाकिस्तान में आने के लिए उनकी अपॉर्चुनिटी पैदा करना, तो ये रियासत का काम है कि हम अपने पढ़े लिखे अपने ब्रेन को हम वापस ले जाएं अपने मुल्क में, तो इंशाल्लाह वो अपॉर्चुनिटीज हम पैदा करेंगे। और लोग जाते हैं दुनिया में तो वो फॉरेन रेमिटेंस भी भेज रहे हैं और वापस भी आने के चाहते हैं, लोगों के दिल धड़कते हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को सर्व करें। बड़ी बात है। तो अब हम आखिर में हैं जी, और अब आपको चूँकि आप न्यूज़ में बहुत रहते हैं और अभी भी आप पाकिस्तान की काफ़ी शाह सुर्खियों में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे हैं और पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि पता नहीं शायद आप यहाँ पे आ जाएंगे। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ कुछ देर रहे। आपको तो सारी सूरत हाल का पता है। साल में मैं पैसे भी एक आध दफा आता हूँ, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिक्लेयर करें जिस जिसके पास हो, तो मेरे पास पीआर कार्ड था, मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने कर दिया, क्योंकि मैं चीज़ों को छुपाने का आदमी, इलेक्शन लड़ने में नेशनलिटी रुकावट हुई, नेशनलिटी में अगर मुझे इलेक्शन के लिए पीआर कार्ड भी छोड़ना पड़ा, अपनी सियासत भी अपने मुल्क की, तो मैं छोड़ दूंगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है यहाँ सेटल होने की, मेरी ख्वाहिश अपने मुल्क में रहने की। बड़ी अच्छी बात है, और हमें खुशी है कि आप पाकिस्तानियों को यहाँ पे मिल के जाते हैं और अपने बकायदा अपने लोगों को टाइम भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप ज़ाहिर बात है कि आप यहाँ पे आए हैं और आप देख के भी बहुत कुछ जाएंगे। आखिर में हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ पे जो पाकिस्तानी बसते हैं उनको क्या मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, यहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ के साथ और हुकूमतों के साथ तामल करते हैं, तो मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान में भी आप जाएं तो आप भी ऐसा तामल करें और पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझें, अपने आप को एक वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, और रियासत भी इंशाल्लाह हुकूमत हो रियासत हो वो भी आपको जिस तरह रियासत होती है ना माँ के जैसी, वो माँ का किरदार बन के दिखाएगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी नदीम अफजल चंद साहब, आप इसी तरह मुस्कराते रहिए, इसी तरह आपका चेहरा देखते रहे हम। बहुत बहुत शुक्रिया जी।